माननीय सुभाष रामनाथ पारधी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखेंगे। सदस्य भारतीय अनुसूचित जाति तथागत गौतम बुद्ध, इनके चरणों में मैं अभिवादन करता हूं। साथ ही महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके चरणों में नमन करता हूं। महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो गुरु मंत्र दिया और उस गुरु मंत्र को लेकर हम सब एकत्रित होते हैं। अगर महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग की हालात क्या होते ये अपन समझ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने को शिक्षा, संगठित और संघर्ष करो के जो त्रिमंत्र दिए, इसी के अनुसार हमारे आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पूर्वज जो पढ़े उन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करी, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करी तो आज एक अच्छे ऊंचे मुकाम पर भी आज हमारा अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं। आज देखने में आता है कि अनेक डॉक्टर बन गए, अनेक इंजीनियर बन गए, देश के राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद बन गए। तो ये सब जो है ये सब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के कारण और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रेरणा के कारण है। लेकिन यहां तक कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर कहा यही अस्पृश्यता खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे काफी वर्ग है, ऐसे काफी लोग है कि जो नीचे स्तर पर है जिनको ऊपर उठाने की आज भी गरज है। हम जब देखते हैं, देश में घूमते हैं, समाज में जब काम करते हैं तो हमें देखने में यह आता है कि हमारा जो अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति है आज भी उसको शिक्षा से वंचित है, आज भी उसको जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा जो कर्तव्य आज जो अच्छे उद्योगपति हो गए, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉन्ट्रेक्टर है, तो ये हमारा सबका दायित्व होता है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे को जो मार्गदर्शन दिया है उसी को मार्ग को लेकर हम ये जो नीचे में जो बैठा हुआ वर्ग है इसका उत्थान कैसे कर सके, उसके बारे में कैसा विचार कर सके। तो ये फोरम का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। आने वाले भविष्य के अंदर फोरम ने बहुत अच्छा कार्य किया, परिवार जी ने बताया। परिवार जी से हमारे आज के संबंध नहीं है, जब से मैं आयोग का सदस्य आया हूँ तब से वो मुझे मिलते हैं। एक बड़े संस्था के अंदर जो CPWT के अंदर से रिटायर्ड भी हुए, अभी 4-5 दिन पहले मैं उनके आके कार्यक्रम में गया था, तो काफी उनके अंदर काम करने की शक्ति है। रिटायर्ड होने के बाद में भी सभी वर्गों को लेकर चलना, सभी संगठनों को लेकर चलना, ये उन अर्पित कर सकते हैं कि जिस महामानव ने अपने को मार्ग बताया उसी महामार्ग पे चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सभी को मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती निमित्त सबको शुभकामना देता हूँ और भविष्य में फोरम अच्छा काम करेगा, कर तो रहा है और अच्छा काम करेगा, यही उनको शुभकामना देता हूँ। अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय, धन्यवाद, जय भीम। दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है, अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576851, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है, सारा ए टू जेड एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।